सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो की न्यू स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में। ओप्पो का लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो R17 Pro इंडिया में लॉन्च हो गया है। लॉन्च इवेंट का आयोजन मुंबई में किया गया है। इवेंट की स्टार्टिंग शाम 7 बजे से होगी। ओप्पो ब्रांड का यह पहला स्मार्टफोन होगा जो ओप्पो सुपर वू फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ओप्पो R17 Pro के अदर फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आएगा। ओप्पो R17 Pro इंडिया में किस कलर वेरिएंट में आएगा इसकी इन्फॉर्मेशन लॉन्च इवेंट में सामने आ जाएगी। मार्केट में ओप्पो R17 Pro की टक्कर OnePlus 60 से होगी। ओप्पो R17 Pro की इंडिया में प्राइस और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो ओप्पो का यह स्मार्टफोन चाइना में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। चाइनीज़ मार्केट में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट प्राइस लगभग 40,800 इंडियन रुपीज़ है और 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस 43,900 इंडियन रुपीज़ है। ओप्पो R17 Pro की लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी के फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर होगी। ओप्पो R17 Pro के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो डुअल सिम नैनो वाला ओप्पो R17 Pro एंड्रॉयड 8.1 ओरियो बेस्ड कलर OS 5.2 पर रन करेगा। स्मार्टफोन में 6.4 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है जिसका रिजोल्यूशन 1080p x 2340p दिया गया है और इसमें 19.5% एस्पेक्ट रेशियो के साथ इसका डिस्प्ले दिया गया है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इस फोन में रियर पर 3 रियर कैमरे मिलेंगे। एक सेंसर 12 मेगापिक्सल का होगा जिसका एपर्चर 1.5 to 2.4 है। दूसरा सेंसर 20 मेगापिक्सल का है जिसका एपर्चर f/2.6 है। तीसरा सेंसर TOF 3D स्टूडियो कैमरा है। अभी इस बात की कंफर्म नहीं है कि तीसरा सेंसर क्या करेगा। सेल्फी के लिए 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रहेगा। ओप्पो R17 Pro स्मार्टफोन में 3650 mAh की बैटरी मिलेगी जो सुपर वूप टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। तो ये स्मार्टफोन आज शाम तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग भी आप देख सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।